हेलो स्टूडेंट्स मैं वैभव अपने चैनल निबर नॉब में आपका स्वागत करता हूं ये चैनल टेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले में जाके चैप्टर वाइज क्लास वाइज़ सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अब तो आप निबड़ नॉब को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें स्टूडेंट्स लीनियर इन चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 का फिफ्थ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आज 2x एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन वन इक्वालिटी का साइन नहीं है यहां पर कॉमा x माइनस टू वाई लेस देन माइनस वन यहां भी इक्वालिटी का साइन नहीं है तो ये कैसे सॉल्व करनी है इन वैसे बेसिक मेथड तो मैं बता ही चुका हूं तीन चार क्वेश्चन में और करवाऊंगा ताकि तुम्हें तो अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने हमने सबसे पहले कहना है गिवन ये दोनों इनक्वालिटीज लिखनी है और नंबर वन नंबर टू इनको कह देना है इस तरह से और अब हम सब जानते हैं हमने क्या करना है ड्रॉ पहली लाइन 2x एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन याद रखो इक्वल टू वन हमने इन दोनों साइन को इक्वल टू में बदलना है और फिर x और y की वैल्यूज डिसाइड करेंगे हम तो x को जीरो रख लिया हमने x को जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन देखो अगर मैं x को जीरो रखता हूं टू एक्स खत्म हो गया माइनस वाई इक्वल टू वन तो y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस वन इसके बाद मैं y को जीरो रखूंगा देखो y को जीरो रखूंगा तो टू एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा y को जीरो रखा तो ये आ जाएगा वन बाय टू और पॉइंट्स क्या हो गए फिर यहां से दे फोर पॉइंट्स आर जीरो कॉमा माइनस वन कॉमा वन बाय टू कॉमा जीरो ये दो पॉइंट हो गए तो ये तो हो गया पहले इन के लिए पहली लाइन अब सेकंड सेकंड में एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन ये वाला साइन भी इक्वलिटी में हमने बदल देना इक्वलिटी में इक्वल टू का साइन बना दिया हमने और इसके लिए भी हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे तो एक्स को जीरो रखा तो वाई कितना आ जाएगा वन बाय टू क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा देखो एक्स को जीरो रख दिया एक्स को जीरो रखा माइनस माइनस कैंसिल वाई इज इक्वल टू वन बाय टू उसके बाद वाई को जीरो रखा वाई को जीरो रखा तो एक्स कितना आ गया देखो माइनस वन माइनस वन तो पॉइंट्स कौन से आ गए देर फोर पॉइंट आर जीरो वन बाय टू कॉमा माइनस वन कॉमा जीरो तो इतने हमारे डाटा से हम पहले ये दो लाइनें ड्रॉ करेंगे तो चलो मैं ग्राफ लेके आता हूं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने पहले बना ली है इस ग्राफ पे देखो और अब हम ऐसा करते हैं एक बार देख लेते हैं कि यहां पे वैल्यूज एक्स वाई की माइनस वन वन बाय टू तक ही हैं यानी छोटी वैल्यूज हैं तो जब छोटी वैल्यूज हैं और हमने ग्राफ पूरा कवर करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं यहां पे वन वैसे नॉर्मली हम यहां पे वन करते हैं या वन बाय टू हो जाएगा हमारा अब यहां पे टू और यहां पे थ्री इसी तरह यहां पे माइनस वन यहां पे माइनस टू फिर वन टू थ्री फिर यहां पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री क्योंकि ग्राफ की स्केल बहुत छोटी है ग्राफ में जीरो हाफ माइनस वन हाफ माइनस वन यही पुट करना है तो ये पहला कौन सा पॉइंट है जीरो कॉमा माइनस वन तो जीरो कॉमा माइनस वन कहाँ आएगा देखो जीरो कॉमा माइनस वन होगा ये वाला पॉइंट उसके बाद अगला पॉइंट है वन बाय टू कॉमा जीरो वन बाय टू कोमा जीरो कहां पर होगा वन बाय टू कोमा जीरो होगा यहां पे ये यह है वन बाय टू अगर ये वन है ये जीरो है जीरो लिख देते हैं यहां पर जीरो वन तो ये हाफ तो इन दोनों को हमने क्या करना है ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है यहां पे और यहां पे रखा पेंसिल को और स्केल को अच्छी तरह से ग्रैब कर लिया कि वो हिले ना और हमने क्या किया एक लाइन बना दी तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन के ऊपर हमने क्या करना है अब इसका नाम भी लिखना है तो ये लाइन का नाम था 2x एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन तो यहां पे हमने नाम लिख दिया 2x एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन अब अगली लाइन देखो जीरो कॉमा हाफ जीरो कॉमा हाफ का है जीरो कॉमा हाफ ये हो गया और दूसरा है माइनस वन कॉमा जीरो तो माइनस वन कॉमा जीरो कहां पर है यहां पर माइनस वन कॉमा जीरो अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे चलो ज्वाइन कर देते हैं देखो यहां पे रखो पॉइंट अपने पेंसिल यहां रखो और यहां रखो दोनों को ज्वाइन कर दिया और कस के स्केल को पकड़ो और इस तरह से लाइन हमने ड्रॉ कर दी और इसके ऊपर भी इस इक्वेशन का नाम लिख दो इक्वेशन क्या थी x माइनस टू वाई एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन ये आ गया हमारे पास ये ग्राफ बन गया अब देखो कौन सा हम टेस्ट पॉइंट लें ऐसा करते हैं हम टेस्ट पॉइंट क्योंकि मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं कि इन दो लाइनों से दूर पिछले वीडियो में भी समझाया था कि इन दोनों लाइनों से दूर टेस्ट पॉइंट लेना है तो टेस्ट पॉइंट हम या तो टू कोमा जीरो ले लेंगे या जीरो कोमा टू या जीरो कोमा जीरो भी क्योंकि दोनों लाइनें जीरो कोमा जीरो से पास नहीं कर रही तो चलो ठीक है हम ऐसा करते हैं जीरो कॉमा जीरो को अपना टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं ये ड्रॉ भी हुआ, हुआ हुआ है तो जीरो कॉमा जीरो हमारा टेस्ट पॉइंट है अब टेस्ट पॉइंट को तो हम पुट करके देखा करते हैं तो ये है वन ये है टू तो मैं लिखूंगा पुट जीरो कॉमा जीरो इन हाफ प्लेन वन हाफ प्लेन वन में जीरो कॉमा जीरो पुट किया एक्स भी जीरो वाई भी जीरो तो ये कितना आ गया जीरो ग्रेटर देन वन जीरो ग्रेटर देन वन तो ये तो फॉल्स है तो हमने लिखा विच इज फॉल्स अब ये फॉल्स है इसका क्या मतलब हो गया देयरफॉर फोर हाफ प्लेन वन डज नॉट कंटेन जीरो कॉमा जीरो देखो हाफ प्लेन वन टू एक्स माइनस वाई वाली इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन थी इसके लिए ओरिजिन फॉल्स है यानी इसके उस तरफ शेड नहीं होगा इसके उस तरफ शेड होगा जिस तरफ ओरिजिन नहीं है ओरिजिन वाली साइड तो इसकी कौन सी है फॉल्स वाली साइड है राइट वाली साइड करेक्ट वाली साइड इधर है तो हमने एक छोटा सा एरो लगा लिया बिल्कुल इसी तरह अब हम ये पुट करेंगे जीरो का जीरो टू में तो देखो जीरो जीरो पुट किया जीरो लेस देन माइनस वन आ गया तो मैं लिखूँगा पुट जीरो कॉमा जीरो इन टू तो जीरो लेस देन माइनस वन अब देखो जीरो लेस देन माइनस वन क्या ये ठीक है जीरो माइनस वन से छोटा होता है नहीं ये भी फॉल्स आ गया विच इज फॉल्स therefore half plane 2 does not contain 0,0 0,0 नहीं है चलो देखो अब अब देखो 0,0 इसमें भी फॉल्स आ गया यानी कि इसके इस तरफ शेड होगा तो अब मुझे बताओ आ, बताओ क्या खैर सोचो कि मैं कहाँ शेड करूं यहां तो शेड कर नहीं सकता इस एरिए में क्योंकि यहां ओरिजिन है इस तरफ शेड करूंगा तो इसके लिए गलत हो जाएगा इधर शेड करूंगा तो इसके लिए गलत हो जाएगा तो यही एक एरिया बचता है जहां पे मुझे शेड करना चाहिए क्योंकि इसके इस तरफ शेड करना है और इस लाइन के इस तरफ शेड करना है तो देखो ये हमारा शेडेड रीजन बन गया और ये ओपन रीजन है इनफाइनाइट रीजन है ये क्योंकि ये लाइनें आगे ऐसे बढ़ती जाएंगी और इनके बीच का ये सारा फिजिबल रीजन आता चला जाएगा तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा और अगर नहीं समझ में आया तो देखो करना क्या है एक रफ सा ग्राफ बनाओ इसके जैसा ही और यहां पे नहीं कहीं और यहां पे तो मैं तुम्हें सिर्फ बना के दिखा रहा हूं और दो लाइनें ऐसे बना लो पहली लाइन तो ऐसे बनी हुई है दूसरी लाइन ऐसे बनी हुई है ठीक है स्टूडेंट्स अब इसके इस तरफ शेड करना है तो हमने क्या किया ऐसे शेड कर दिया इसके ऊपर शेड करना है तो हमने क्या किया ऐसे शेड कर दिया अब कॉमन रीजन हमें साफ नजर आ रहा है कि जहां पे शेडिंग वाली लाइनें आपस में कट कर रही हैं एक दूसरे को वो यही वाला एरिया है तो इसको देख के यहां शेड कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन एक बात यहां पर और भी है देखो यहां पे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इक्वलिटी का साइन नहीं है यानी कि जो ये लाइन है ये हमारे फिजिबल रीजन का हिस्सा नहीं है और जब हमारी ये लाइन फिजिबल रीजन का हिस्सा नहीं है तो ये फिर डार्क नहीं होनी चाहिए ये भी डॉटेड ही होनी चाहिए तो सबसे पहले तो ये एरो मिटा देते हैं अब इनकी कोई जरूरत नहीं शेड कर चुके हैं हम और उसके बाद हमने क्या करना है इस लाइन को डॉटेड दिखाने के लिए जगह जगह से मिटा देना है या फिर थोड़ा सा इसको इस लाइन को मिटाकर दोबारा से हम किस तरह से बना सकते हैं देखो इस तरह ऐसे 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 इस तरह से ये हमने क्या किया डॉटेड दिखा दिया क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ था ऐसे यहां पर भी जगह जगह से मिटा दो इस लाइन को या पूरी ही मिटा के दोबारा से हम बना सकते हैं और इसका अगर ध्यान रखना हो क्योंकि मैं तो थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाया इक्वालिटी का साइन ना हो तो लाइन ऑलरेडी तुम जो बनाओगे वो डॉटेड ही बनाना वो डार्क लाइन मत बनाना ये देखो ऐसे ये हो गया देखो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये लाइन लाइने हैं दोनों ये बॉर्डर ये इस फिजिबल रीजन का हिस्सा नहीं है ये डॉटेड मैंने क्यों बनाया है डॉटेड कब बनानी है लाइने जब यहां पर इक्वालिटी का साइन ना हो अगर तो ऐसा साइन होता तब हम लाइनें डार्क ही बनाते लेकिन यहां पर इक्वालिटी का साइन साथ में नहीं है इसलिए ग्राफ में क्या हुआ कि डॉटेड लाइनें बनेंगी तो यहां पे इस तरह से हमने क्वेश्चन फाइव सॉल्व कर लिया अब इसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूं क्वेश्चन नंबर एट तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट इसका सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया गिवन एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नाइन वन y ग्रेटर देन x अब इसको इस तरह लिखा हुआ देख के हमें अजीब लग रहा है तो y इस तरफ ले जाते हैं और इसको किस तरह लिख लेते हैं x माइनस वाई वाई इधर चला गया लेस देन जीरो देखो ठीक है ये जो चोच वाला निशान था मतलब लेस देन यहां जीरो हो जाएगा ना जीरो ग्रेटर देन x माइनस वाई हो जाएगा तो जीरो ग्रेटर देन x माइनस वाई अगर जीरो की तरफ से पढ़ो तो ठीक है यानी कि x माइनस वाई लेस देन जीरो तो इसको हमने उस तरह से बना के लिखा जैसे हम देखना चाहते हैं इन इक्वालिटी को जिस तरह हमें ठीक लगता है और तीसरी इन इक्वालिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिस इज इन इक्वलिटी थ्री तो हम क्या करते होते हैं ड्रॉ करते हैं ड्रॉ फर्स्ट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन तो हम क्या करेंगे एक बार एक्स को जीरो पुट किया तो वाई नाइन आ गया y को जीरो पुट किया तो x नाइन आ गया तो कौन से दो पॉइंट हो गए देर फोर पॉइंट साग जीरो कॉमा नाइन देखो जीरो कॉमा नाइन एंड नाइन कॉमा जीरो नाइन कॉमा जीरो उसके बाद सेकेंड x माइनस वाई इक्वल टू जीरो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो अब इसमें देखना बहुत ध्यान से एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो आ जाए चाहे एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो आ जाए एक्स को जीरो पुट किया तो वाई भी जीरो आ गया अब वाई को जीरो नहीं पुट कर सकते स्टूडेंट्स क्योंकि अगर वाई को जीरो पुट किया तो एक्स जीरो आ जाएगा तो हमने तो यहां पे टू डिफरेंट पॉइंट्स लेने होते ना टू डिफरेंट पॉइंट हमें पता होने चाहिए उन जिनको जोड़ के हम स्ट्रेट लाइन बना सकें लेकिन अगर वाई को जीरो पुट कर देंगे तो एक्स भी जीरो आ जाएगा तो पॉइंट रिपीट हो जाएगा लेकिन हमें दो अलग पॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे वाई को हम कुछ और पुट कर देंगे जीरो के अलावा जैसे थ्री पुट कर दिया एक्स वाई को तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो एक्स भी थ्री आ गया इस तरह से हमने सोचना है जहां पर कॉन्स्टेंट टर्म जीरो हो वहां पर एक्स और वाई इकट्ठे ही जीरो हुआ करते हैं और एक ही पॉइंट होता है तो देयर फोर पॉइंट आर जीरो कोमा जीरो एंड थ्री कोमा थ्री अब तीसरी इन इक्वालिटी कौन सी है एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो तो थर्ड लाइन कौन सी बनेगी एक्स इक्वल टू जीरो x इक्वल टू जीरो बेसिकली y एक्सिस की इक्वेशन है तो x y अब इसको कैसे कंसीडर करो x प्लस जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो मतलब x की वैल्यू तो जीरो फिक्स है y की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो थ्री टू जो मर्जी पुट कर लो तो देअर फोर पॉइंट आर जीरो कॉमा थ्री एंड जीरो कॉमा टू तो इतने डाटा के साथ हम क्या करेंगे अपना ग्राफ बना लेंगे तो चलो हम ग्राफ बनाते हैं मैं ग्राफ लेके आता हूं मैंने ये ग्राफ बना लिया और मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा बनाया मैं अब तक ओरिजिन सेंटर में बना रहा था अब मैं सेंटर से हटा के उसको कहां ले आया लेफ्ट बॉटम पे क्यों क्योंकि देखो यहां पे सारे पॉजिटिव नंबर है सारे पॉजिटिव नंबर होने की वजह से और बड़ा नंबर नाइन है तो मुझे ये नाइन तक तो ले जाना ही है प्लस नाइन वाई भी और प्लस नाइन एक्स भी तो इसलिए मुझे ये इस तरह से सोच समझ के ग्राफ बनाना पड़ा तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो इस तरह से हमने स्केलिंग कर ली और अब देखते हैं पहला है जीरो कॉमा नाइन नाइन कॉमा जीरो ये दो पॉइंट हैं। देखो जीरो कॉमा नाइन कहाँ होगा जीरो और उसके बाद वाई एक्सिस के पैरल चलो जीरो से नाइन पे ये पॉइंट उसके बाद नाइन कॉमा जीरो यानी कि एक्स एक्सिस पे नाइन पे आ गए और वाई एक्सिस पे, पे जीरो तो यहीं पे ही है तो ये पॉइंट हो गया अब हमने क्या करना है इनको ज्वाइन कर देना है चलो ज्वाइन कर देते हैं इधर हमने रखा पेंसिल को यहां हमने पेंसिल को रखा देखा दोनों पॉइंट्स सही ढंग से कवर हो रहे हैं और फिर कस के स्केल को पकड़ के लाइन खींच दी और थोड़ी सी और हमें लाइन को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा तो हमने इस तरह लाइन खींच दी और इसके ऊपर अब नाम लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन इक्वल टू मैं बार बार समझा रहा हूं स्टूडेंट्स इक्वल टू रखना है इसको इस यहां पे लाइनों का नाम इक्वल टू से रखना है और ये जो हल्का सा बाहर निकल आई है इसको मिटा दिया हमने अब यहां पे तो के का साइन था लेकिन यहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो हम डॉटेड लाइन ही बनाएंगे इसके लिए तो ये पॉइंट्स देखो कौन से हैं जीरो जीरो थ्री कोमा थ्री तो जीरो जीरो तो यही है अब थ्री कोमा थ्री पॉइंट कहां होगा एक्स एक्सिस पे थ्री पे आके और वाई एक्सिस भी थ्री है थ्री कोमा थ्री है तो एक्स एक्सिस पे थ्री पे आके और वाई एक्सिस के पैरेलल यहां से थ्री पॉइंट्स चलो थ्री स्टेप्स वन टू थ्री तो ये पॉइंट आ गया हमारा थ्री थ्री और ये जीरो कोमा जीरो तो इनको ज्वाइन करके हम लाइन बनाएंगे लेकिन डॉटेड लाइन बनाएंगे हम डार्क लाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि इक्वलिटी का साइन हमारे पास नहीं है तो इस तरह से मैंने डॉटेड लाइन बना दी क्योंकि फिजिबल रीजन का यह हिस्सा नहीं है और यहां पे इसका नाम लिख दिया x माइनस वाई इक्वल टू जीरो और अब तीसरा तीसरा तो x इक्वल टू जीरो जो है वो जीरो जीरो y एक्सिस ही है जीरो कोमा थ्री जीरो कोमा टू तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है तो हमने बनाई हुई है x इज इक्वल टू जीरो यहां पे लिख दो x इक्वल टू जीरो इस लाइन के साथ तो अब हमने एक टेस्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है जैसा कि तुम देख रहे हो कि ये जो डॉटेड लाइन है ये जीरो कोमा जीरो से पास हो रही है तो अब हमारा टेस्ट पॉइंट जीरो कॉमा जीरो नहीं हो सकता तो टेस्ट पॉइंट कुछ और होगा हमारा तो हम ऐसा करते हैं टेस्ट पॉइंट इन दोनों ये एक ये लाइन है वाई एक्स इज एक्स इक्वल टू जीरो एक ये लाइन है और एक ये लाइन इन तीनों लाइनों से दूर कोई टेस्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं हम तो टेस्ट पॉइंट कौन सा सिलेक्ट करें देखो ये सिलेक्ट कर लें फाइव कामा जीरो देखो ये हमारा टेस्ट पॉइंट हो गया फाइव कॉमा जीरो तो अब फाइव कॉमा जीरो हम पुट करेंगे एक एक करके इन इन में तो मैंने लिखा पुट फाइव कॉमा जीरो इन वन तो वन क्या है एक्स प्लस वाई फाइव कॉमा जीरो यानी कि ये फाइव हो गया फाइव प्लस जीरो तो हमारे पास आ गया फाइव लेस देन इक्वल टू नाइन तो ये ट्रू है फाइव छोटा ही तो होता है नाइन से तो विच इज ट्रू देर फोर हाफ प्लेन वन कंटेन्स फाइव कॉमा जीरो तो फाइव कॉमा जीरो जो है वो हाफ प्लेन वन में है तो हाफ प्लेन वन जो है उसकी जो बॉर्डर लाइन है वो ये है और कॉमा जीरो आ गया ट्रू यानी कि इस तरफ शेड होगा हमने ये छोटा सा निशान बना लिया चलो अब अगला 5.0 कॉमा जीरो इसमें पुट करते हैं फाइव कॉमा जीरो फाइव है एक्स और जीरो है वाई तो फाइव माइनस जीरो कितना बन गया फाइव फाइव लेस देन जीरो आ जाएगा तो पुट फाइव कॉमा जीरो इन हाफ प्लेन टू तो फाइव लेस देन जीरो विच इज फॉल्स ये तो गलत हो गया क्योंकि फाइव जीरो से बड़ा होता है छोटा नहीं होता तो देर फोर हाफ प्लेन टू डज नॉट कंटेन फाइव कॉमा जीरो फाइव कॉमा जीरो हाफ प्लेन टू में नहीं है और हाफ प्लेन टू का जो बॉर्डर है वो ये डॉटेड लाइन है अब फाइव कॉमा जीरो आ गया फॉल्स तो इसके इस तरफ शेड होगा उस तरफ अब आखिरी हमारे पास ये आखिरी है आ, देखो ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तीसरा फाइव कॉमा जीरो इसमें भी पुट करते हैं पुट फाइव कॉमा जीरो इन थ्री फाइव कॉमा जीरो पुट करने की तो जगह ही नहीं है यहां पे एक्स की वैल्यू फाइव है फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ट्रू तो है फाइव बड़ा ही तो होता है जीरो से तो विच इज ट्रू देयरफॉर फोर हाफ प्लेन थ्री कंटेन्स फाइव कॉमा जीरो आ गया हमारे पास तो यहां पे हमने रखा अब हाफ प्लेन थ्री जो है उसकी बॉर्डर लाइन है ये वाई एक्सिस इसके इस तरफ शेड होना है फाइव कॉमा जीरो की तरफ शेड होना है तो कौन सा आप कॉमन रीजन बना बताओ यहां पे तो कर नहीं सकते शेड क्योंकि इसके उस तरफ शेड होना है इस लाइन के इधर शेड नहीं होगा तो यहां कर सकते हैं देखो इधर इस तरफ और इस तरफ तो ये हमारा जो कॉमन रीजन है वो ये बन गया ये देखो ये ट्राइंगुलर रीजन हमारा कॉमन रीजन बन गया जो फिजिबल रीजन ये है तो इस तरह से हमने क्या किया अपना कॉमन रीजन ढूंढ लिया ये फिजिबल रीजन है और इस फिजिबल रीजन का ये वाली जो लाइन है वो हिस्सा नहीं है डॉटेड है इस लाइन के इस तरफ शेड होना था इसलिए यहां पर शेड हुआ यहां पे शेड नहीं हुआ तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा अगर ये समझ नहीं आता मान लो तो मैं समझ नहीं आ रहा कि यहां पे कैसे यहां क्यों नहीं या यहां क्यों नहीं कोई बात नहीं एक बार फिर समझा देता हूं मैं रफ में ऐसा ही एक ग्राफ बना लो छोटा सा देखो जैसे मैं बना रहा हूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स बना ली मैंने अब एक लाइन तो आ रही है इस तरह यह वाली लाइन उसके बाद दूसरी लाइन जा रही है इस तरह और तीसरी लाइन ये वाई एक्सिस खुद है अब देखो इसके ऊपर शेड करना है और इसके नीचे तो मैंने क्या किया इसके ऊपर शेड करना शुरू किया और इसके नीचे शेड करना शुरू किया और इसके इस तरफ शेड करना है अब तुम यह देखो तीनों शेडिंग वाली लाइनें एक दूसरे को कट कहां कर रही हैं सिर्फ इस ट्राइंगल वाले रीजन में कट कर, कर रही हैं तीनो तीनों लाइनें तीनों शेडिंग्स यहां पे कट कर, कर रही हैं यहां पे सिर्फ दो लाइनें आपस में कट कर, कर रही हैं यहां पे भी सिर्फ दो लाइनें कट कर, कर रही हैं यहां पे भी दो लाइनें कट कर रही हैं तो तीनों के जो कॉमन रीजन होगा कॉमन फिजिबल रीजन वही हमारा आंसर होगा तो इसी तरह से ये हमारा आंसर आया है ये तीनों का ही कॉमन रीजन है तो आई थिंक ये क्लियर हो गया तुम्हें काफी हद तक इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह करने हैं चैप्टर तकरीबन यहां खत्म है तुमने प्रैक्टिस ही करनी है तो कमेंट्स में जाके मुझे रेटिंग जरूर देना स्टूडेंट्स और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर करो ट्यूशन से बचने के लिए सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को तुम प्लेलिस्ट चेक करो और अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर पे अगले वीडियो में ये चैप्टर यहां पे खत्म हो रहा है और अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे अगले वीडियो में लेकिन हाँ एक छोटी सी बात रह गई आई थिंक एक छोटी सी बात रह गई है वो मैं डिस्कस कर लू चलो उसके बाद हम चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ देखो मिसलिनियस एक्सरसाइज में असल में आ, कुछ खास तरह के क्वेश्चंस हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज में ऐसी इन दी हुई हैं इनको कैसे सॉल्व करना है ये दो इन के निशान बने हुए हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमने अगर इसे सॉल्व करना है तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने तो एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं तो तुम्हें पता होगा यहां पे जब हम करते हैं टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टेन तो मैं अगर मैंने कहा कि एक्स की वैल्यू निकालो तो तुम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स को अकेला कर दोगे कैसे टू एक्स फोर को उस तरफ ले गए फिर एक्स इक्वल टू थ्री तो एक्स को अकेला करना होता है तब एक्स की वैल्यू निकलती है तो यहां भी एक्स को अकेला कैसे किया जा सकता है देखो माइनस फोर है तीनों में क्या करो प्लस फोर कर दो देखो तीनों में प्लस फोर कर दिया तो क्या बन गया सिक्स लेस देन इक्वल टू थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू नाइन अब तीनों में क्योंकि थ्री मल्टीप्लाई में है तो थ्री से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री तो यहां पे आंसर क्या आ गया देयर फोर एक्स बिलोंग्स टू 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 थ्री क्लोज इंटरवल क्योंकि रियल आंसर देने एक्स क्या है एक्स एक रियल नंबर है एक्स रियल नंबर होने की वजह से एक्स टू टू थ्री क्लोज इंटरवल में आ गया अब देखो यहां अगर इक्वालिटी का साइन ना होता तो हम गोल ब्रैकेट लगा देते क्लोज ओपन इंटरवल तो तुम्हें पता ही है तो इस तरह से करना है आ, अगर मैं एक और करके दिखाऊं तो एक और भी करके दिखा सकता हूं इससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये तो क्वेश्चन नंबर वन था एक क्वेश्चन नंबर सेवन में तो मैं करके दिखा देता हूं फाइव एक्स प्लस वन ग्रेटर देन माइनस ट्वेंटी फोर कॉमा फाइव एक्स माइनस वन लेस देन ट्वेंटी फोर इनको अलग अलग सॉल्व करना है आप क्योंकि ये दो इनक्वलिटीज हैं तो फाइव एक्स ग्रेटर देन अब ये वन इस तरफ गया तो माइनस ट्वेंटी फाइव फाइव एक्स लेस देन अब ये वन उधर गया तो फिर प्लस हो गया तो ट्वेंटी फाइव दोनों ट्वेंटी फाइव बन गए फाइव से डिवाइड किया एक्स ग्रेटर देन फाइव एक्स लेस देन फाइव तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि या तो एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव है या एक्स लेस देन फाइव है तो इसको इसका आंसर क्या आएगा देखो अगर इसका आंसर देखने की कोशिश करें तो उसके लिए हम हेल्प के लिए क्या कर सकते हैं रियल लाइन बना सकते हैं हमने रियल लाइन बनाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ऑब्वियसली ये दो नंबर माइनस फाइव इस तरफ होगा और फाइव इस तरफ होगा तो अब एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव यानी के ये वाला रीजन और ये आगे प्लस इन्फिनिटी तक एक्स लेस देन फाइव यानी कि x लेस देन फाइव यानी इस तरफ वाला रीजन और माइनस इनफिनिटी तक तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया यही हो गया देखो और वो भी यहां इक्वालिटी का साइन नहीं है तो ऐसे तो देयर फोर एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव टू फाइव ओपन इंटरवल इस तरह से इसका आंसर हमारे पास आ गया तो इस तरह से इन uh, तुम सॉल्व कर सकते हो सीख सकते हो मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज भी टच कर ली थोड़ी सी वो अगर थोड़ा सा भी तुम ध्यान दोगे तो सारी मिसलिनियस एक्सरसाइज अपने आप हल कर लोगे तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इससे जुड़ी इस 6.3 में सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता ही है ग्राफ का क्वेश्चन जिसके लिए तुम्हें ग्राफ भी मिलेगा और अभी तक मैंने पिछले और आज के वीडियो में तुम्हें करवाया तो ये चैप्टर यहां कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स और आ, कमेंट करना मत भूलना वन टू फाइव रेटिंग जो भी तुम्हें ठीक लगे और अगर तुम्हें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर ट्यूशन से बचना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले को फॉलो कर लो बस तो इस चैप्टर के लिए बेस्ट ऑफ लक अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम एक और चैप्टर शुरू करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग